हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी पूरे भारत में लागू होना चाहिए, इसके बारे में आप सभी लोगों के ओर से बहुत सारा कमेंट आ रहा था मेरे जो है हर वीडियो एनआरसी का हर वीडियो में। तो मैं अभी मुझे जो है इसके बारे में एक न्यूज़ पता चला, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आप जो है न्यूज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक कर देना। और आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा दें, नए नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए, इसके बारे में क्या अपडेट है मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एनआरसी और 35 ए पर हो सकता है फैसला। तो पूरा देखिए आप, यहाँ पे देखिए मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त ना करने की नीति के साथ ही अवैध अप्रवासियों पर नज़र रखने पर ध्यान देगी। इसके साथ ही वो देश भर में एनआरसी को लागू करने और जम्मू कश्मीर में धारा 35A रद्द करने जैसे कदम उठा सकती है। भाजपा के नेतृत्व वाले जो है राजग को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता मिली है और भाजपा को 303 सीटें मिली है। नरेंद्र मोदी गुरुवार को दूसरे, तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को न्यूज़ बताने वाला था, क्योंकि आप लोगों का बहुत हर वीडियो में एनआरसी के हर वीडियो में ये कमेंट आता है कि एनआरसी का पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि मोदी सरकार के दूसरे पारी में एनआरसी को जो है पूरे देश में लागू हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, और होगा या नहीं, आपका जो है राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो आज की वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिए नए और छोटे बड़े हर तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत।